अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक बॉब होता है और ये एक मेटालिक वायर से कनेक्टेड होता है। मेटालिक वायर का जो मास है उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है बॉब, तो किसी इंस्टेंट पर ये जो है ऐसे ओसिलेशन करते हुए, हो सकता है कि किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रखा होगा, है ना। इसको जो है थोड़ा सा इधर करके छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेशन करेगा कुछ इस टाइप का, जैसा कि एंगुलर SHM में होता है। मैं दूसरा फिगर बना देता हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर ये जो बॉब है ये इधर चले गया है और थीटा एंगल से ये डिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है। इसका जो पाथ है वो सर्कुलर आर्क जैसा होगा। अभी इसका हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, मैं इसका फ्री वर्ड डायग्राम बनाता हूँ। नीचे देखेंगे कि आएगा फोर्स mg, ये जो बॉब है, ये जो मेटेलिक वायर है इसका लेंथ ले लेते हैं l, तो ये लेंथ l हो गया। अगर ये लेंथ l हो गया, ये डिफ्लेक्शन हम लोग बहुत स्मॉल मानते हैं। थीटा जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, थीटा बहुत ही स्मॉल लेना है, तो थीटा स्मॉल होगा तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट माना जाएगा पाथ, ठीक है। तो ये l होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ l साइन थीटा। अब मुझे इस mg का टॉर्क निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क यह आएगा टॉ इज इक्वल टू mg इनटू इसका लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो कि l साइन थीटा के बराबर है, तो mg इनटू l साइन थीटा ये टॉर्क आएगा। और आगे मैं माइनस साइन लगाऊंगा इसलिए क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है इधर थीटा की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है और टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस एम जी एल इंटू थीटा फॉर स्मॉल थीटा, थीटा स्मॉल इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको कंपेयर करेंगे बाई माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो कंपेयर करेंगे तो आएगा आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल, ठीक है। तो यहां से अगर ओमेगा का वैल्यू निकाला जाए, इसमें से देखेंगे कि ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो ये आएगा अंडर रूट एम जी एल डिवाइडेड बाई आई। अब जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो बॉब है एक पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, तो पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे वो लिखेंगे एम एल स्क्वायर, जैसे एम आर स्क्वायर होता है वैसे ही एम और आर के बदले में यहां पर एल रखेंगे, तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगा रूट जी बाई एल, यानी कि टाइम पीरियड जो होगा सिंपल पेंडुलम का वो टाइम पीरियड हम लोग लिख सकते हैं टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, क्योंकि टाइम पीरियड होता है टू पाई बाई ओमेगा, तो इस तरह से इतना टाइम पीरियड आ जाएगा। अब कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें कि एम जी और टेंशन फोर्स के अलावा कोई और फोर्स लग रहा होता है, जैसे कोई स्यूडो फोर्स लग गया, कोई बायंसी फोर्स लग गया, ऐसे कई सारे फोर्सेस लग सकते हैं, तो उस केस में टाइम पीरियड निकालने का दूसरा तरीका है, व्हेन फोर्सेस अदर देन ग्रेविटी, अदर देन ग्रेविटी एंड टेंशन आर ऑल्सो एक्टिंग ऑन द बॉब, देन यूज फॉलोइंग फॉर्मूला टू फाइंड the time period। अब ये जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं,
2 pi under root L divided by G effective. मतलब यहां पर तो G आया था, G को हम लोग G effective से रिप्लेस कर देते हैं. अब यहां पर G effective क्या है उसको मैं बताता हूं. Where G effective is equal to net tension in wire at equilibrium. बॉब जब इक्विलिब्रियम में होगा उस इंस्टेंट पर वायर में जो टेंशन होगा वो टेंशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉब है ना, यानी कि टेंशन डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो जी इफेक्टिव जो है यहां से निकल जाएगा. अब इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं जिसमें कि हम लोग जी इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे. तो जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक सिंपल पेंडुलम किसी एक्सेलरेटेड लिफ्ट में रखा हुआ है. सिंपल पेंडुलम इनसाइड एक्सेलरेटेड लिफ्ट है ना. जैसे मान ले जाए कि ये लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर जो है एक सिंपल पेंडुलम है. ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जो है एंगुलर एसएचएम करेगा. मतलब इसके अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑसिलेशन करता हुआ दिखेगा. बाहर वाले को तो क्या दिखेगा, अगर ये सपोज ये ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से तो बाहर वाले ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ये ऑसिलेशन कर रहा होगा साथ में ऊपर जा रहा होगा, ऐसे करता हुआ कुछ ऊपर जा रहा होगा. तो वो परफेक्ट तरीके से एसएचएम करता हुआ एंगुलर एसएचएम करता हुआ नहीं दिखेगा, जबकि इसके अंदर जो ऑब्जर्वर है इसको बिल्कुल जो नॉर्मल सिंपल पेंडुलम होता है वैसे ये ऑसिलेशन करता हुआ दिखेगा. तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है तो इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा ए. इसके रिस्पेक्ट में जब इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर आएगा टेंशन फोर्स एफ, नीचे आएगा इसका एम जी, और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एक नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स भी आएगा. मास इस बॉब का लेंगे और एक्सेलरेशन इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का. ठीक है, अब इसको जो है ये बॉब यहां पर इक्विलिब्रियम में दिखेगा, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में दिखेगा उसको. तो कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, ये हो गया. तो अगर मैं जी इफेक्टिव की वैल्यू निकालूं यहां पर तो जी इफेक्टिव होता है एफ बाई एम, जैसा कि यहां बताया टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाई मास. तो देख सकते हैं एफ बाई एम की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, ये आ जाएगा जी प्लस ए. तो इस हिसाब से अगर मैं पता करूं टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव है ना, और जी इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो कितना आ गया यहां पर, ये आ गया जी प्लस ए. अगर यही लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड होता तो यहां पर G माइनस ए आ जाता है ना. उस केस में आप यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बना करके टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर जो है टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करके G इफेक्टिव निकालेंगे. G इफेक्टिव की वैल्यू इसमें रखेंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा. अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे एक कार है ना, और कार के रूफ से एक पेंडुलम लटक रहा है इधर है ना, एक पेंडुलम ऐसे कहीं लटक रहा है. अगर ये कार किसी एक्सेलरेशन ए से इधर जा रहा हो तो इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बताना है. सिंपल पेंडुलम इन एक्सेलरेटेड कार, कार जैसा कि देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो अभी इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले खोजना पड़ेगा, क्योंकि हमें जी इफेक्टिव निकालने के लिए
नेट टेंशन निकालना चाहिए कहां पर, एट इक्विलिब्रियम। तो ऐसा क्वेश्चन जो है हमने एनएलएम में किया है कि ये जो बॉब है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं इधर आएगा, नीचे एमजी आएगा, है ना, मान लेते हैं थीटा पर आएगा, थीटा एंगल पर यहां पर कहीं इक्विलिब्रियम आएगा, है ना, नीचे एमजी आएगा और इस कार पर जो कार में जो ऑब्जर्वर होगा उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि कार एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेशन से जा रहा होगा तो उसके रेस्पेक्ट में एक स्यूडो फोर्स लगेगा इधर एम ए, है ना। तो यहां पर इसका थीटा एंगल पर कहीं इक्विलिब्रियम आएगा, है ना, वो आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, हमने पहले भी निकाला है। जैसे यहां पर टेंशन आएगा, टेंशन का टी कॉस थीटा ऊपर एमजी के बराबर, टी साइन थीटा इधर एम ए के बराबर कर देंगे तो यहां से इक्विलिब्रियम पोजिशन निकाल सकते हैं। हालांकि यहां पर इक्विलिब्रियम पोजिशन का जरूरत नहीं है, यहां पर जरूरत क्या है, टेंशन फोर्स का। तो टेंशन फोर्स जो है वो देखेंगे इधर लगेगा और एमजी और एमए का रिजल्टेंट बिल्कुल ऐसे आएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब इस टेंशन के जस्ट ऑपोजिट इन दोनों का रिजल्टेंट आना चाहिए, तभी ये दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट फोर्स जीरो होगा। तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट है यहां पर यह आएगा एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाल लिया। तो देखेंगे कि अभी ये इक्विलिब्रियम है इस पॉइंट पर, तो एफ और ये फोर्स दोनों बराबर होंगे। एट इक्विलिब्रियम एफ इज इक्वल टू ये वाला फोर्स एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ध्यान रखना है कि मैंने इसका इसका रिजल्टेंट निकाला बीच में, तो रिजल्टेंट जब भी निकालते हैं कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करके जोड़ करके रूट लगा करके निकाला जाता है, इसलिए हमने इसे निकाला है। तो यहां पर अगर जी इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करेंगे, टेंशन डिवाइडेड बाई मास। तो यहां पर जी इफेक्टिव आ गया ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का रूट, यानी इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो खुद भी रूट में है, तो यहां पर रखेंगे ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का रूट, है ना। तो कुल मिलाकर के जो टाइम पीरियड है वो इतना आ गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक कार जो है वो फ्रीली चल रहा है और इसके रूफ से एक सिंपल पेंडुलम लटकाया गया है। कहा गया है सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ कार मूविंग फ्रीली ऑन इंक्लाइन प्लेन। फ्रीली मूव करने का मतलब है कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है और कोई फोर्स नहीं है, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आना चाहिए जी साइन थीटा के इक्वल। इस एक्सेलरेशन से ये जो कार है वो चल रहा होगा, ठीक है। तो इस कार के अंदर कोई ऑब्जर्वर बैठा देते हैं और इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये एंगुलर एसएचएम करेगा, तो ये ऑब्जर्वर भी ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा इधर, ठीक। तो अब हम लोग ये करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसा हमें पहले से पता है कि इस पर एक फोर्स आएगा mg, जिसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक कंपोनेंट आता है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और ये आता है mg cos थीटा, और एक आता है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, ये आता है mg sin थीटा, है ना। और एक स्यूडो फोर्स आएगा, स्यूडो फोर्स आएगा क्योंकि ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इधर आएगा। मास लेंगे इस बॉब का और एक्सेलरेशन लेंगे इस ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इतना होगा जितना कार का एक्सेलरेशन है, है ना, एम ए कर सकते हैं या ये एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक। और यहां पर क्या है, इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है, ठीक है, तो इस टेंशन का जो कंपोनेंट है एक आएगा, अगर मैं ये थीटा ले लूं और ये भी थीटा ले लूं, ठीक है, तो वैसे हमें उस टेंशन को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होगा क्या कि देखेंगे कि इधर लगने वाला फोर्स mg sin थीटा है और इधर लगने वाला mg फोर्स जो mg sin थीटा है, यानी कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फोर्स तो सिर्फ परपेंडिकुलर लग रहा है। तो परपेंडिकुलर फोर्स लगने से होगा क्या कि ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब कि जैसे ये कार है,
अब यहां पर ये सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम पर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो जितना फोर्स इधर एम जी साइन थीटा उतना एम जी साइन थीटा इधर कैंसिल हो जाएगा, तो नेट जो है इस पर फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, और ये स्ट्रिंग जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में, ठीक है। तो मैं ये टेंशन जो है ऐसे नहीं दिखा करके यहां पर टेंशन दिखा देता हूं, ये टेंशन कहीं आएगा ऐसे, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगा। अब ये ऐसे एसएचएम यहां पर करेगा इस तरह से, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में कहा जा सकता है एट इक्विलिब्रियम ये जो टेंशन फोर्स है एफ, ये होना चाहिए इक्वल किसके, एम जी कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर जो जी इफेक्टिव आएगा वो होता है एफ बाई एम, मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा जी कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, और ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव की वैल्यू जो है यहां पर मैं जी कॉस थीटा रख दूंगा। तो ये यहां पर टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि ऐसा ही कुछ केस जो है वो यहां पर आया था, यहां पर हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाला था, वो कहीं किसी एंगल पर आया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंपल पेंडुलम है ये एसएचएम यहां पर नहीं करेगा बल्कि ऐसे एसएचएम करेगा, ये इसका मीन पोजीशन बनेगा और ये इस तरह से एसएचएम करता रहेगा। इसमें क्या था, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था तो ये इस तरह से एसएचएम करेगा, और इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या था, इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन था ये बीच वाला पॉइंट है ना, तो ये एसएचएम यहां पर करेगा, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल में। यहां पर कहा गया कि एक सिंपल पेंडुलम है जो कि लिक्विड के अंदर डूबा है। हम मान लेते हैं कि लिक्विड का डेंसिटी जो है रो है, और ये जो बॉब है बॉब के मटेरियल की डेंसिटी है सिग्मा, ठीक। अब हमें इसमें टेंशन निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स लगेगा एफ, ये टेंशन फोर्स हो गया। इसका खुद का वेट निकालना हो तो क्या करेंगे, इसकी बॉब की डेंसिटी इंटू बॉब का वॉल्यूम, ये इसका मास हो गया इंटू जी, है ना। और एक बायंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, बायंसी फोर्स जैसा कि हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था कि जो बायंसी फोर्स होता है उसको हम लोग लिखते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। तो यहां पर अगर मैं बायंसी फोर्स लिखूंगा तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है रो, इसका वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है जो वी वॉल्यूम था, तो पूरा वॉल्यूम रखेंगे सॉलिड का इंटू जी। अभी जो है ये इक्विलिब्रियम होगा, ये यहां से ऐसे ऐसे चेंज करेगा तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम ऊपर फोर्स लग रहा है एफ प्लस बायंसी फोर्स रो वी जी, और नीचे लग रहा है सिग्मा वी जी, है ना। तो यहां से एफ की जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते हैं सिग्मा माइनस रो वी इंटू जी। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू यहां से निकालना हो तो फोर्स बाई मास ऑफ बॉब, तो टेंशन फोर्स हो गया सिग्मा माइनस रो वी इंटू जी डिवाइडेड बाई मास ऑफ बॉब जो है यहां पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये हो गया सिग्मा इंटू वी। तो देखेंगे कि इसमें से वी और वी कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी, ये जी इफेक्टिव हो गया। तो इसमें सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव होता है, है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी, ठीक है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे किसी अर्थ का किसी जगह पर किसी शहर में अगर हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो है उस सिंपल पेंडुलम का हम लोग यूज करते हैं। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है
वो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है ना। तो अगर हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जी की वैल्यू एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, ठीक है, तो करेंगे क्या कि एक सिंपल पेंडुलम लेंगे, उसमें वायर का लेंथ मेजर कर लेंगे और फिर जो है स्टॉप वॉच से उसका टाइम पीरियड पता करेंगे। कितना भी आगे ले जाए टाइम पीरियड हमेशा बराबर रहता है, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। तो आगे ले जाकर छोड़ देंगे ऑसिलेशन करेगा, तो उसका टाइम पीरियड जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हमें पता है कि लेंथ मेजर करने में भी एरर आ सकता है और टाइम पीरियड मेजर करने में भी एरर आ सकता है, ठीक। अगर इन दोनों को मेजर करने में एरर आ सकता है तो जी को जो वैल्यू इस फॉर्मूले में से निकालेंगे है ना, एल और टी की वैल्यू इसमें डाल करके जी की वैल्यू निकालेंगे, उसमें भी एरर आएगा, ठीक है। तो वो परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो वैसे हम लोग ये चैप्टर अलग है एरर एंड मेजरमेंट वाला, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। जैसे अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी जैसे है एफ, एफ होता है एक्स पावर ए वाई पावर बी और जेड पावर सी, यानी एफ एक ऐसा क्वांटिटी है जो तीन डिफरेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तीन डिफरेंट क्वांटिटी कौन कौन है, एक्स वाई और जेड, तो एफ जो है तीन डिफरेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अगर मुझे इसमें फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, अगर मुझे फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज इन एफ, तो एक्चुअली में क्या करते हैं इनका पहले तो लॉग लेते हैं, है ना। लॉग लेने से क्या आएगा, आप देखेंगे कि यह आएगा लॉग एफ इज इक्वल टू लॉग, इसको लिखा जा सकता है ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई, ऐसे आएगा, प्लस या माइनस लिख सकते हैं माइनस सी लॉग जेड, इस तरह से कुछ आएगा, है ना। फिर क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या आएगा, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो जैसे 1 बाई एफ लॉग का डिफ्रेंशिएशन, अगर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है तो इसमें जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी एफ बाई एफ इज इक्वल टू, यहां पर आएगा ए डी एक्स बाई एक्स प्लस बी डी वाई बाई वाई। अब यहां पर वैसे माइनस है ना, हमें जब एरर निकालना होता है तो जनरली हमेशा जो है वो मैक्सिमम एरर पूछा जाता है, तो मैक्सिमम एरर का मतलब है हम लोग हमेशा ऐड करते जाएंगे, मतलब ये मानेंगे कि हर क्वांटिटी का जो एरर है वो इस एफ के एरर को बढ़ाएगा, मतलब एक्स में भी कुछ एरर हो सकता है, वाई में भी कुछ एरर हो सकता है और जेड में भी कुछ एरर हो सकता है। हो सकता है कि इनमें एरर आने से इसका एरर बढ़ता हो और इसमें एरर आने से इसका एरर घटता हो, है ना, यानी उनके कारण जो एरर है उसको कम करता हो। लेकिन यह भी हो सकता है कि ये दोनों भी इसके एरर को बढ़ा रहे हो और ये भी उनके एरर को बढ़ा रहा हो। जैसे अगर इनका रीडिंग ज्यादा आ गया गलती से और इसका रीडिंग जो गलती से कम आ गया तो एफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। मतलब हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो मैक्सिमम एरर आएगा वो कब आएगा, जब ये तीनों के तीनों उसके एरर को बढ़ा रहे होंगे, तो उस केस में क्या करेंगे, सारा क्वांटिटी प्लस प्लस रखेंगे, तो प्लस सी इंटू डी जेड बाई जेड ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये तो डिफ्रेंसिएशन से आया, इसको हम लोग जब फ्रैक्शनल चेंज निकालते हैं तो एक्चुअली मैं ऐसे नहीं लिख रहा, इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से डेल्टा एफ बाई एफ, ये हो गया फ्रैक्शनल एरर इन एफ इज इक्वल टू ए इंटू फ्रैक्शनल एरर इन एक्स प्लस बी इंटू फ्रैक्शनल एरर इन वाई प्लस सी इंटू फ्रैक्शनल एरर इन जेड, ठीक है। ये फ्रैक्शनल एरर हो गया, ध्यान रखना कि हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है, हो सकता है कोई पावर निगेटिव हो उसको भी पॉजिटिव पॉजिटिव ही लेना है, तो ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। अब अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करेंगे, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर और परसेंटेज चेंज,
यहां मैंने फ्रैक्शनल चेंज लिखा है, इस चेंज को आप एरर भी कह सकते हैं, है ना। तो अगर परसेंटेज एरर निकालना हो एफ क्वांटिटी में तो क्या करेंगे, अगर मैं यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन एफ। अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर टर्म में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये रिलेशन सही रहेगा। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू परसेंटेज चेंज इन एक्स प्लस बी इंटू परसेंटेज चेंज इन वाई प्लस सी इंटू परसेंटेज चेंज इन जेड, ऐसे लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे परसेंटेज एरर इन एफ इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 इज इक्वल टू ए टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस बी टाइम्स डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 प्लस सी टाइम्स डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100। तो इस तरह से परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया देखेंगे, ये बताएगा परसेंटेज चेंज इन एफ, ये बताएगा परसेंटेज चेंज इन एक्स, ये बताएगा परसेंटेज चेंज इन वाई, और ये बताएगा परसेंटेज चेंज इन जेड। तो परसेंटेज चेंज निकाल करके ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर परसेंटेज चेंज इन वाई निकाल करके बी से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज चेंज इन जेड निकाल करके सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो परसेंटेज चेंज इन एफ निकल जाएगा। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे जब किसी पोजीशन पर जी की वैल्यू निकालनी होगी। तो जैसे हम लोग अगला एग्जाम्पल जो है वो इसी से रिलेटेड करने वाले हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हमने अभी यहां पर सीखा है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने यहां पर एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 2% एंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज 1%, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी। ठीक है, तो इनका जो रिलेशन है, रिलेशन हम लोगों को पता है कि टी का वैल्यू होता है 2π अंडर रूट एल बाई जी, है ना। तो इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर एल बाई जी, यानी जी की जो वैल्यू होगी उसको लिखा जा सकता है 4π स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने यहां पर सिखाया यहां पर कि अगर फ्रैक्शनल चेंज निकालना हो तो पावर इंटू फ्रैक्शनल चेंज इन क्वांटिटी ऐसे लिखेंगे। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं फ्रैक्शनल चेंज इन जी इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई जी, ऐसे लिखना चाहिए जैसे यहां पर एफ का लिखा था, इज इक्वल टू देखेंगे इसमें 4π² तो कॉन्स्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। तो दो क्वांटिटी है एल और टी, इनमें फ्रैक्शनल चेंज या फ्रैक्शनल एरर आ सकता है। तो जैसे एल का लिखेंगे तो एल का पावर है 1, तो लिख देंगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ प्लस ये टी का स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा 2 × Δt/T। जैसा कि मैंने बताया कि वैसे इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं 4π² L तो टी पावर -2 हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया कि हम हमेशा मैक्सिमम एरर निकालने में इंटरेस्टेड रहते हैं, इसलिए इस माइनस को भी हम लोग यहां पर प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि यहां पर हमेशा प्लस प्लस आना है। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन लेंथ, सॉरी फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, और ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। अब अगर हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन जी तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 × Δt/T इंटू 100। ठीक है, तो हमें ये वाली वैल्यू जो है ये फाइंड करना था, तो ये फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये आएगा परसेंटेज चेंज इन लेंथ,
जो कि क्वेश्चन में 2% दिया हुआ है, तो इस पूरे क्वांटिटी को मैं लिखूंगा 2% प्लस 2 इंटू ये बताएगा परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड जो कि 1% दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा, ये तो 2 पहले से रहे और इसकी वैल्यू जो है 1% रखेंगे, तो 2% ये हो गया और 2% ये भी हो गया, यानी कि 4% का टोटल जो है वो एरर आएगा।